गाइस वेलकम टू ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। इन टुडेज वीडियो आई विल बी शेयरिंग इजी पीजी डीआईवाई आइडियाज। बहुत दिनों से डीआईवाई नहीं बनाए थे तो हम आज कुछ यूनिक और एस्थेटिकली प्लीजिंग डीआईवाई आइडियाज बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले गाइस। सबसे पहला डीआईवाई आइडिया है डीआईवाई फ्रेम्स। यस, पहले भी मैंने फ्रेम्स बना चुके हैं यूजिंग कार्डबोर्ड, पर कार्डबोर्ड से जो फ्रेम्स बनते हैं वो उतने क्लासी प्रोडक्ट नहीं लगते हैं। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग ऑफ सनबोर्ड। यस, ये जो सनबोर्ड होता है वो एक फोम काइंड ऑफ शीट ही होती है, लेकिन थोड़ा हार्ड होता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अमेजोन से आप मंगवा सकते हैं इसे। मैंने पहले भी सनबोर्ड से कोस्टर्स बनाए हैं, उस टाइम बहुत से लोगों ने पूछा था कि सनबोर्ड क्या होता है, तो आप लोग देख लीजिए। सनबोर्ड इस तरीके का थिक मटेरियल है, फोम शीट से ही बना रहता है, यू कैन ईजली कट इट। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ कुछ रेक्टेंगल्स बनाए हैं और उन्हीं रेक्टेंगुलर शेप्स को मैंने कट किया है यूजिंग दैट पेपर कटर और फोम कटर, वट एवर यू से इट। तो इससे ईजिली कट हो जाएगा और इस तरीके के तीन रेक्टेंगल्स मैंने बना लिए हैं। आप चाहें तो सर्कुलर ओवल शेप भी बना सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर मेकिंग द शेप्स मैंने इसमें रफ स्केच ड्रॉ किया है, डूडलिंग आर्ट, जेंटेंगल आर्ट, मंडाला की जो बॉर्डर्स होती हैं वो आप कोई भी बना सकते हैं। पहले मैंने पेंसिल से बनाया है, उसके बाद मैंने फाइन लाइनर से आउटलाइन दूंगी। और पेंसिल से बनाते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि लाइटली ड्रॉ करिए, डार्क डार्क बनाएंगे तो इंप्रेशंस, गाढ़े इंप्रेशंस बनेंगे, क्योंकि एक तरीके का फोम शीट है और अगर कहीं भी आपसे गलती हो गई तो वो इंप्रेशन जरूर दिखेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ब्लैक फाइन लाइनर से मैंने इसके आउटलाइंस फिल किए हैं। उसके बाद हम इसमें एक्रेलिक पेंट करेंगे। सारी आउटलाइंस वगैरह देने के बाद नाउ इट्स टाइम टू पेंट द फ्लावर्स। तो पेटल्स मैं पिंक कलर से पेंट कर रही हूँ, उसके बाद आप जैसा भी कलर पेंट करना चाहे कर सकते हैं। मैं यहाँ सारे ब्राइट एंड बोल्ड कलर्स यूज कर रही हूँ, जिससे हम एम्प्टी वॉल या व्हाइट वॉल पे से प्लेस करेंगे, सो इट विल लुक अमेजिंग। ओके, नाउ टू ऐड सम डिटेलिंग्स मैंने यहाँ जेली रोल पेन लेके व्हाइट कलर से इसमें कुछ डिटेल्स दिए हैं, लाइक लीव्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जेली रोल्स आर बेस्ट और आप चाहें तो व्हाइट एक्रेलिक पेंट भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बाकी दो फ्रेम्स को भी रेडी कर लिया, आप देख सकते हैं दे आर लुकिंग सो प्रिटी। नाउ हियर कम्स द फाइनल रिव्यू। दूसरा DIY भी मैंने सनबोर्ड से बनाया, इट इज़ एक्चुअली एन ओल्ड DIY। क्रिसमस ट्री मैंने क्रिसमस के टाइम पे बनाया था सनबोर्ड से ही, सो इट वॉज लाइंग लाइक दिस ओनली। मैंने इसे यूज़ नहीं किया उसके बाद, सो आई थॉट ऑफ गिविंग अ मेक ओवर टू दिस वन ऑल्सो। सो वॉट आई डिड, मैंने इसमें सिर्फ ब्लैक अक्रिलिक पेंट को पेंट किया है एंड इट इज़ गोइंग टू एक्ट लाइक अ ब्लैक कैनवस। और इसमें जो आप होल्स देख रहे हैं, ये होल्स को एज इट इज़ रहने दिया है मैंने, बिकॉज आई बी यूजिंग इट एज अ लैम्प। उसके बाद साइड के एजेस को भी मैंने अच्छे से पेंट किया ताकि रखने के समय साइड से ख़राब ना लगे। एंड हियर आई विल बी मेकिंग सम ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स। सनफ्लावर्स बनाने के लिए मैंने कंपास से पहले सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ मैं कैमलिन आर्टिस्टिक कलर्स यूज करके सनफ्लावर्स बनाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ इट एज अ नाइट लैम्प और साइड टेबल पर रखने वाली हूँ मैं इसे। इसके लिए मैंने ये स्ट्रिंग लाइट्स को यूज़ किया है, स्ट्रिंग लाइट्स को इंसर्ट कर दिया है जहाँ जहाँ आपको ये होल्स दिख रहे हैं उसमें उनके बल्ब्स को डाल दिया है। एंड हियर इज द फाइनल रिवील।
ओके, सो दिस लास्ट डी आई वाई इज माई फेवरेट एंड इट टर्न आउट सो वेल. बनाते समय बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज थी कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट इट टर्न आउट सो वेल. तो ये क्या है, ये बहुत ही सिंपल सा डी आई वाई है. हेयर आई एम यूजिंग दिस बैम्बू प्लेट्स. ये बैम्बू प्लेट्स बहुत ही इको फ्रेंडली होती है, हर किसी के घर में मिल भी जाती है, बजट फ्रेंडली है. मैंने इसमें डूडलिंग आर्ट ड्रॉ की है, इसमें मैंने डूडल आर्ट बनाई है. इट्स वेरी सिंपल, आप कैसे भी शेप्स पैटर्न्स बना सकते हैं यूजिंग फाइन लाइनर. और इस तरीके के मैंने चार और बनाए हैं डिफरेंट शेप्स के. बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी डी आई वाई है. नाउ यू कैन सी, मैंने बहुत ही सिंपल सा पैटर्न बनाया है यूजिंग ब्लैक फाइन लाइनर. आप चाहें तो कलर्स भी यूज कर सकते हैं. मुझे ये थोड़ा सा सोबर रखना था तो मैंने इसमें ज़्यादा कलर यूज नहीं किया है. सो हियर आई एम पेंटिंग गोल्डन एक्रेलिक कलर ऑन दी एजेस ऑफ दिस प्लेट. तो सारे एजेस पे हम सिर्फ गोल्डन पेंट करने वाले हैं. ऐसे मैं सारी और प्लेट्स के साथ भी पेंट करूंगी. एंड दैट्स इट, इट इज़ रेडी. तो आप देख सकते हैं सारी प्लेट्स काफ़ी सुंदर और बहुत ही यूनिक और सिंपल सोबर लग रही हैं. स्टाइलिश हैं, एलिगेंट है, यू कैन से. एंड हियर इज़ द फाइनल रिवील. आई होप आपको ये DIY आइडियाज अच्छे लगे होंगे. अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा है. मेरा फेवरेट तो ये वाला है. इट्स एक्चुअली लुकिंग लाइक, जैसे कि सिरेमिक्स को हमने टांग दिया, सिरेमिक्स प्लेट होती है उसको हमने हैंग कर दिया. इट्स लुकिंग लाइक दैट ओनली एंड इट्स सो एस्थेटिकली प्लीजिंग, बहुत ही सुंदर लग रहा है. आप भी ट्राई करिएगा. ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना नहीं भूलिएगा. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज मेरा पिटारा. डू फॉलो मी देयर, मेक श्योर यू फॉलो मी देयर, जिससे कि आप सारे आइडियाज वहाँ पे भी देख सकें, कुछ नए रील्स देख सकें, बहुत सारी चीजें वहाँ मैं शेयर करती रहती हूँ. तो वहाँ मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू ऑल अबाउट लाइफस्टाइल. आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.